चौकी पर सुधीर पांडे मिले, हमें वहाँ गाड़ी पे जबरदस्ती खींच के हमें दुर्गागंज की तरफ ले गए, और बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, और बाद हमें पता नहीं हमारा बलात्कार किए। बेहोशी खाले में चार लोग वहाँ पे मौजूद थे। यूपी के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज की पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कलंकित किया है। एक महिला ने चार पुलिस वालों पर उसे नशा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस चौकी प्रभारी सहित अन्य तीन पुलिस वालों पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सराय ममरेज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी जंघई के इंचार्ज पर जंघई बाजार की ही रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसने कहा कि चौकी इंचार्ज सुधीर पांडे ने उसे 21 सितंबर की रात अपनी निजी कार में लेकर भदोई गए और उसके साथ घंटों दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाई। मेरे साथ धमकी भरी फोन आता रहा, हम गए, हम कहा कि हम सब पता करते ही नहीं पता लगी, हम फिर चले गए चौकी पे। चौकी पर सुधीर पांडे मिले, हम उनके पास अप्लीकेशन दिया, हम कहा हमें धमकी भरी फोन आता, हमें जान से मारे के कहें चलो ठीक बाटे, हम चले देख लेंगे। फिर अपना नंबर दिए, कहें कि चलो नंबर ले जा, अब जैसे फ़ोन आए फिर हमें बताओ। हम फिर ले गए, फिर बिहान से फ़ोन आए, फिर हम फ़ोन किया सुधीर पांडे के, वो हमके चौकी बुलाए 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 वहाँ पे, कहें कि जाओ अच्छा हम देख लेंगे। फिर हमें 21 तारीख के शाम के फ़ोन किए 6 बजे, वहाँ पर कहें आओ, हम जो फ़ोन करता था उसे हम पकड़े हैं, चलो हम बताते हैं। ले गए हमें वहाँ गाड़ी पर जबरदस्ती खींच के हमें दुर्गागंज की तरफ ले गए, और बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और बाद हमें पता नहीं हमारा बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद हमें कहाँ ले गए, होश नहीं रहा हमारे, एकदम बेहोशी खाले में चार लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, वो चारों पुलिस वाले ही थे? हाँ। अच्छा, जब आपको ले जा रहे थे तो क्या कितने पुलिस वाले थे साथ में? उसमें चार पुलिस वाले थे। हाँ। तो अच्छा, जब आप होश में आई हैं तो आप कहाँ पर थे? हम गौरा। अच्छा, गौरा दुर्गागंज। हाँ, गौरा। अच्छा, दुर्गागंज पेड़ में ग्रामीण भी। हाँ, पेड़ में क्या हुआ था? पेड़ में गाड़ी लड़ाई। ये कौन लड़ा था? ये सुधीर, वो सब गाड़ी चला वाले, हमें इतना होश नहीं रहा। ये क्या दारू भी पिए थे? हाँ, दारू भी सब। हाँ, हाँ, बहुत नशे। आपको भी पिलाए थे? हमें भी नशे में एकदम। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात ये, क्या जब आपके आप होश में आई हैं तो जो ग्रामीण मौके पर आए थे वो लोग क्या पुलिस वालों के खिलाफ या पुलिस वालों? हाँ, कुछ ऐसा कार्रवाई हुआ था? नहीं कुछ। तो आप इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुँचाई हैं? पहुँचाए हैं, लेकिन कुछ था नहीं। तो क्या चाह रही हैं? हम बस इंसाफ चाहते, हमें न्याय मिले, और हमें योगीनाथ को सबके हमें बैठा जाए, हमें न्याय मिले। अच्छा, ये घटना हुए कितना दिन बीत गया है? आज तीन तीन दिन हो गया है, लेकिन अभी तक। सुधीर पांडे नशे की धुत में वापस लौटते वक्त रात में दुर्गागंज में अनियंत्रित होकर कार खड्डे में चली गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, कार में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में चौकी इंचार्ज भी पाए गए। इस मामले में पीड़ित के बयान के आधार पर सराय ममरेज थाने की जंघई चौकी में तैनात दरोगा सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी जांच एसपी हंडिया को सौंपी गई है। मेरे एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया था, उस ट्वीट के बारे में जब संज्ञान आया तो तत्काल एसीपी हंडिया साहब को जांच दी गई। मौके पर जाकर उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और थाना चौकी प्रभारी की संलिप्तता अगर पाई जाती है उसमें तो उसको तुरंत उसको निलंबन की कार्रवाई करते हुए और तथ्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज को वहां से हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि घटना उन्हीं की चौकी क्षेत्र में होना बताया जा रहा है, विवेचना को न प्रभावित करे इसलिए उनको वहां से हटाना आवश्यक है। और पुलिसकर्मी क्या इसमें होती? जैसी रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।